हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रशियन सैलेड। रशियन सैलेड के लिए हमें चाहिए अमूल फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो होममेड फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ अमूल की। और मेयोनीज, एगलेस मेयोनीज एंड दही, ग्रेटेड पत्ता गोभी, एक बॉइल्ड आलू, फ्रेंच बीन बारीक कटी हुई, गाजर कद्दूकस की हुई, उसके लिए हमें चाहिए साथ ही साथ एप्पल भी बारीक कटे हुए और लोबिया की फली बारीक कटी हुई। ठीक है, हमने यहाँ एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम। इसमें मैं ऐड अप करूंगी मेयोनीज, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज। दही 3 से 4 चम्मची, एप्पल बारीक कटे हुए, और कैरेट तकरीबन 2 से 3 चमचे। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से सब्जियां और भी ज़्यादा ऐडअप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ऐडअप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंच बीन बारीक कटी हुई, 2 से 3 चम्मची, लोबिया की सब्जी बारीक कटी हुई, ये भी 2 से 3 चम्मची। मैं सारी सब्जियों को एक ही रेशियो में रख रही हूँ। अगर 2 चम्मची है एक चीज़ तो उसको भी 2 ही चम्मची, 3 है तो 3 चम्मची। यहाँ मैंने बॉइल्ड आलू ले लिया है अच्छा अच्छे से एकदम। और अब मैं डालूंगी पत्ता गोभी, ये भी 2 से 3 चम्मची बारीक कटी हुई। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे स्पून से। अच्छी तरह, ताकि सारी सब्जियां जो हैं अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएं। मेयोनीज और जो दही का है हमने मिक्सचर लिया है उसमें। अगर आपको ज़्यादा बनानी है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, तो आप इसके इंग्रेडिएंट और भी डाल सकते हैं बढ़ाकर। और अगर कम बनानी है तो कम डाल के ही बना सकते हैं। और ये हमारा रशियन सैलेड रेडी है।